गुस्से से वहां से चली गई है और उसके पीछे लड्डू के भैया भी चले गए हैं और दरोगाजी भी चले गए हैं और मंगीलाल भी चला गया। हम भी उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? गुलबिया मोंगी, देखो ना, मालिक यहां तक आ गए। एक कमरे से बहुत गंदी गंदी आवाजें आ रही हैं। अच्छा, कमरे से? तो आप उस कमरे में जाइए ना। जा रहे। सुन, वही टॉमी आया है। मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। अरे अरे, आप तो एक गरीब मजबूर मजलूम औरत के पीछे पड़ गए थे। गोरी मैम, हम एक मजबूर औरत के पीछे पड़ गए हैं और हमें पता तक नहीं है। हाँ हाँ, आपको क्यों पता होगा? क्योंकि आप जैसे घटिया सोच के आदमी के लिए तो औरतों की इज्जत के साथ खेलना एक बहुत मामूली बात हो गई ना। लेकिन गोरी मैम, गोरी मैं नहीं, गोरे तो आप थे, आप जिसका दिल काला था। अम्मा के दिमाग में पिछले जन्म की बात घुसड़ने की क्या जरूरत थी? आपको पता है ना, हम अम्मा जी के साथ सारी बातें करते हैं, तो आप पिछले जन्म में वो जो अय्याशी किए थे वो हम अम्मा जी को ना ही बताएगा। अरे यार, ये पिछले जन्म की सजा इस जन्म में भुगतनी पड़ रही है साली। एक बार मुझे पता चल जाए कि आपने अनु के साथ क्या बदतमीजी की थी, जिसे देखकर भाभी जी चीखी थी, तो बाय गॉड मैं आपका बैंड बजा दूंगा। वो तो मैं अंगूरी जी से सारे राज उगलवा लूंगी कि आखिर उस रात उस कमरे में हुआ क्या था। यस, यू मस्ट। तुम तो चुप ही रहो, झरना झाकू। मंगीलाल आपके कमरे में क्यों आया? हाँ, पूछ रहे। मालकिन, राय बहादुर गुलाबचंद नाम का जो कचरा आपका दिमाग में भरा हुआ है वो निकालने आए हैं। पाँव दबाए कहा? हमारा पाँव दबाने का जरूरत नहीं है। और राय बहादुर गुलाबचंद के बारे में दोबारा ऐसी बात नहीं बोलना। छोटा मुंह बड़ी बात मालकन, लेकिन राय बहादुर गुलाबचंद आपका लायक आदमी नहीं है। तो बहुत ही घटिया आदमी है। पाँव दबाए कहा? हमारा पाँव दबाने का जरूरत नहीं है। हदिया और हमको लड्डू के भैया के खिलाफ भड़का रहा है। आप पिछले जन्म में हमारी बीवी को काहे भड़का रहे थे कि वो हमें छोड़ दे? पिछले जन्म में? क्योंकि पिछले जन्म में आप एक बहुत ही अय्याश आदमी थे और आपने भाभी जी से पांचवी शादी की थी। अगर हमने अंगूरी से पांचवी शादी की भी थी तो आपके गुर्दे क्यों लाल हो रहे हैं? क्योंकि आप जैसे अय्याश आदमी को कोई हक नहीं पहुंचता कि आप भाभी जी जैसी प्योरफुल मासूम औरत की जिंदगी बर्बाद करें। वेलकम टू पागल क्लब। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि इस मोहल्ले में सिर्फ मैं ही पागल नहीं हूं, आप भी पागल हैं।
वो क्या कहते हैं कि हम तो अकेले चले थे मगर मेंटल मिलते गए, कारवां बनता गया। बिल्कुल ठीक बकरा सक्सेना भैया। अरे दरोगा जी, जब वो कह रहा है कि उसने खून किया था तो गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे आप उसको? अरे क्या घुइया अरेस्ट कर लें? अरे यार, जो पगला कह रहा है कि जाने पिछले जन्म में खून करो है को, अब जब पिछले जन्म में खून करो है तो जा जन्म में हम सजा कहां से दे दें? हम कह रहे हैं हमको गिरफ्तार कर लीजिए, गिरफ्तार कर लीजिए हमको। नहीं करने, हमें नहीं करने गिरफ्तार, जो उखाड़ने होए सो उखाड़ ले।